हाय एवरीवन, आप कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर पटना मेट्रो की सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट, मेट्रो निर्माण स्थल से अतिक्रम हटेगा, बनेगा समानांतर सड़क, लेकिन तमाम जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मैं बता दूं कि पटना मेट्रो की तरफ से जो है वरीय पदाधिकारियों की तरफ अनुसार जो है पटना मेट्रो गुरुवार को निर्माण कार्य को जायजा लिया गया। उन्होंने मलाई पकड़ी, केमनी चौक, भूतनाथ रोड, आईएसबीटी डिपो, आईएसबीटी आरपीएस मोड़, सगना मोड़ और पाटलिपुत्र स्टेशन निर्माण स्थलों पर जो है जारी सिविल, इलेक्ट्रिकल और टैक्स संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने का भी सख्त निर्देश दिया। पटना मेट्रो निर्माण स्थलों को आसपास संकट मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मेट्रो साइट के पास ट्रैफिक जाम से निजात के लिए जो है आवश्यकता अनुसार समानांतर सड़कों बनाई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी के सलाहकार ने बताया कि जो कि आपको निर्माण का जायजा लिया, उन्होंने मलाई पकड़ी, खेमनी चौक, भूतनाथ, आईएसबीटी डिपो, आरपीएस सगना मोड़ जो है पाटलिपुत्र स्टेशन आदि निर्माण स्थलों पर जारी सिविल, इलेक्ट्रिकल और टैक्स संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए निर्माण कार्यों को तेजी लाने का भी निर्देश दिया। मैं बता दूं कि दलजीत सिंह ने साफ सफाई और सुरक्षा के मुद्दों पर भी निर्माण कार्य को रास्तों में बदलाव और स्थानों पर पैदल यात्रियों के लिए समुचित जेब्रा क्रॉसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिया। मैं बता दूं कि पटना मेट्रो के अधिकारियों को दिया गया निर्देश, उन्होंने कहा कि आपको म्यूजियम संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन भूमि विरासत जो है सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। इस दौरान निर्माण कार्यों को प्रगति जो के अलावा भविष्य में कार्य निष्पादन योजना और अन्य साइटों पर काम की प्रगति को भी बारे में जानकारी दिया, ताकि जल्द से जल्द जो है पटना मेट्रो की जो कि अभी जो है आपको बता दूं कि 5 स्टेशन को जो है आपको चलाने के लिए जो है पटना मेट्रो की तरफ से काफी जो जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि आपको 2025-26 में जो है पटना मेट्रो के 5 स्टेशन पर सवारी करने के लिए आपको मौका मिलने वाला है। फ्रेंड्स, जिसको लेकर तैयारी पूरी पटना मेट्रो जोर शोर से कर रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है पटना मेट्रो बनकर तैयार हो जाए, जिससे कि पटना के लिए जो है ट्रैफिक की एक समस्या की जो जाम की समस्या है उसे कम से कम जल्द से जल्द निजात मिले और पटना अपना स्मार्ट सिटी बन जाए। मैं बता दूं कि पटना की अभी जो है काफी जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पटना में 32 किलोमीटर में जो है अभी जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि 12 एलिवेटेड स्टेशन है और 12 अंडरग्राउंड स्टेशन, 2 इंटरचेंज स्टेशन। जानकारी के साथ कमेंट जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।